और जब हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम से मिले और ये तिगड़ी बने, तभी निर्माण हो सकता है पानी के मॉलिक्यूल्स का। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर पानी बनते हैं। एक एटम भी अंदर से 99.9999996% खाली होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी रेत के कण हैं, उतने यूनिवर्स में स्टार है। लेकिन दोस्तों, रेत के महज एक कण के अंदर, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल तारे, या यू कह लीजिए कि पृथ्वी के सभी रेत के कण जो है उससे बहुत बहुत ज्यादा है। और इन प्लैंक पार्टिकल्स को टाइनी ब्लैक होल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी लंबाई खुद इनके स्वाल्सटाइड रेडियस के बराबर होती है। लेकिन शायद सच बात यह है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से आगे यूनिवर्स बड़े और छोटे दोनों ही लेवल पर अनंत है। दोस्तों, मान लो कि ये इतनी बड़ी चट्टान को हम तोड़ना शुरू कर दें और हम इसे तोड़ते जाए तब तक तोड़ते जाए जब तक ये बड़ी सी चट्टान छोटे छोटे पत्थरों में बिखर नहीं जाती। अब दोस्तों, इससे भी आगे जाकर अगर इन छोटे छोटे पत्थरों को भी हम और ज्यादा तोड़ते जाए तो ये और भी छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे और ये बन जाएगी बारीक रेत। अब दोस्तों, हम इस बालू या रेत को भी और ज्यादा क्रश करें और ज्यादा तोड़ते जाए तो ये धूल बन जाएगी, जो होगी रेत का भी एक बारीक हिस्सा। तो क्या आप दोस्तों इस तरीके से किसी पार्टिकल को तोड़ते ही जाना हमेशा के लिए पॉसिबल है? क्या हम इसे इनफाइनाइटली तोड़ते जा सकते हैं, या फिर इसकी भी कोई लिमिट है? मतलब कि किसी पार्टिकल को तोड़ते तोड़ते क्या ऐसा समय आ सकता है जब इसे और तोड़ना पॉसिबल ही ना हो? अगर दोस्तों आपको ये लगता है कि ये सवाल हम आधुनिक इंसानों को ही आया है, तो ऐसा नहीं है। ये सवाल हम इंसानियत के दिमाग में पिछले हजारों सालों से आया है, जब से इंसान का दिमागी विकास हुआ तब से। लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, रिटर्न फॉर्म में, इसके एक्सप्लेनेशन की शुरुआत होती है आज से करीब 2500 साल पहले। भारत में रहने वाले एक ऋषि या उस समय के वैज्ञानिक महर्षि कनाद ने कहा था कि इन पार्टिकल्स को हमेशा के लिए तोड़ते ही जाना संभव नहीं है। इनफैक्ट एक समय ऐसा भी आएगा जब पार्टिकल्स को और तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा। अंततः एक फंडामेंटल पार्टिकल होगा जिसे और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकेगा, और महर्षि ने इसे नाम दे दिया परमाणु, जिसे आज हम इंग्लिश में एटम के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे चलकर इन्हीं की विचारधारा के एक और महर्षि कात्यायन हुए, और महर्षि कात्यायन ने ये बताया कि अलग अलग परमाणु अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर हमें अलग अलग मैटर यानी कि अलग अलग तत्व देते हैं। मतलब कि उन्होंने ये कहा कि हमारे संसार में जो हमें ये विविध चीजें दिखाई देती है, ये सभी चीजें शायद एक ही मैटर के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनी हुई हो सकती है। दोस्तों, महर्षि कात्यायन ने कही ये बात हजारों साल पहले भारत की भूमि पर हुआ एक बहुत ही बड़ा फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट था, जो बेशक हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन महर्षि कात्यायन के समय के दौरान ही ग्रीक में दो और महान फिलोसोफर भी हुए थे, जिनमें एक थे लियोसेपस और उनके एक स्टूडेंट थे डेमोक्रेटस। इन दोनों ने भी इसी तरीके की बात कही थी, और उन्होंने भी इस इनडिविजिबल पार्टिकल यानी कि जिसे हम परमाणु कहते हैं, उसे उन्होंने अपनी भाषा यानी कि ग्रीक भाषा में नाम दे दिया एटोमोस। और इस एटोमोस शब्द का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी कि जिसे काटा या तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये एटोमोस शब्द बाद में जाकर इंग्लिश में एटम के रूप में अस्तित्व में आया। अब दोस्तों, इन चारों ने जो कहा था वो एक फिलोसॉफिकल अप्रोच था, इसे साइंटिफिक अप्रोच नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय इसका कोई रिसर्च करने के लिए इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, और इसलिए इन फिलोसॉफी को उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पे साइंटिफिक पुरावों के साथ बैक नहीं की जा सकती थी। लेकिन इन महर्षि ने और इन ग्रीक फिलोसॉफर्स ने जो परमाणु का फिलोसॉफिकल अप्रोच दिया था वो काबिले तारीफ था, क्योंकि उसी फिलोसॉफिकल अप्रोच की वजह से आज हम उसके साइंटिफिक अप्रोच तक पहुंच पाए हैं, जिसे हम आज रिसर्च बैक्ड साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं। हालांकि यहां तक पहुंचने में हमें बहुत समय लग गया, और बात आई 18th century में। 18th century में बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हुई, जिससे हमें फिजिक्स के बहुत सारे बुनियादी लॉ मिले, जिनसे हम एटम के अंदरूनी पार्टिकल को और उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टीज को बहुत ही आसानी से समझ पाए। 18th century में बहुत सारे फिजिसिस्ट ने परमाणु पर स्टडी की है, लेकिन जिसका नाम सबसे पहले दिया जाता है वो दो साइंटिस्ट थे, ओथवान लेवोसियर और दूसरे थे जोसेफ प्रोस्ट। इन दोनों ने हमें दो बुनियादी लॉ दिए।
जिसमें पहला है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हमें ये बताता है कि कहीं भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम किसी मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही किसी मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजल। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही ने दिए इन दोनों लॉज का कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं था, पर इनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लेकर आए एक इंग्लिश फिजिसिस्ट जॉन डेल्टन। और जॉन डेल्टन ने साइंटिफिकली ये बताया कि ये जो एटम है वो एटम है क्या। अब दोस्तों चलिए यहां से हम हमारे मेन टॉपिक को शुरू करते हैं और हम एटम की दुनिया में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि एटम के भीतर क्या है, अणु की अंदरूनी दुनिया कैसी है और इसे किस हद तक तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों बेसिकली शुरुआत से ही समझ लीजिए कि कुछ इंडिविजुअल एटम जो होते हैं वो मिलकर इकट्ठे होकर एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम से बड़ा होता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स यानी कि जैसे मैंने आगे बताया ना, किसी बड़ी चीज के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो शेष जो उसके अवशेष बच जाते हैं उसे बहुत ही छोटी इकाई यानी कि मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और मॉलिक्यूल्स के तोड़ने पर एटम मिलता है, यानी कि एटम्स ही मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के एटम्स मिलकर H2O यानी कि पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन को हम H कहते हैं, ऑक्सीजन को O कहते हैं। और जब हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम से मिले और ये तिगड़ी बने, तभी निर्माण हो सकता है पानी के मॉलिक्यूल्स का। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर पानी बनते हैं। ऐसे ही दोस्तों अब मान लीजिए कि दो ऑक्सीजन के एटम और एक कार्बन का एटम मिल जाए तो ये तिगड़ी मिलकर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जिसमें दो ऑक्सीजन के एटम और एक कार्बन का एटम होता है। यहाँ पर दोस्तों आप समझे कि जिन एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन किसी भी मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाए तो हमें उस मॉलिक्यूल्स को निर्माण करने वाले एटम्स मिलेंगे। अब चलिए इस एटम के अंदर क्या है ये जानते हैं। इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजों का निर्माण एटम से हुआ है। आप, मैं, ये ग्रह, तारे, निहारिका, आकाशगंगाएं, सूरज, गैलेक्सी, सब कुछ असल में एटम्स का ही समूह है। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया का सर्जन करने वाला ये एटम भी अंदर से नक्कर यानी कि सॉलिड नहीं है, बल्कि एटम के भीतर भी बहुत सारा खाली स्पेस होता है। एक एटम भी अंदर से 99.9999996% खाली होता है। अब यहाँ से चलिए दोस्तों आपको इससे भी आगे एटम के भी भीतर के सब एटॉमिक दुनिया में ले जाते हैं। अगर इंसान का औसत वेट 70 किलोग्राम मान ले तो उसमें करीब 7 ऑक्टेलियंस एटम होंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी रेत के कण हैं, यानी कि गांव, पहाड़, रेगिस्तान, जमीन और समंदर के पानी के भीतर भी रेत के जितने भी कण हैं, उतने यूनिवर्स में स्टार है। लेकिन दोस्तों रेत के महज एक कण के अंदर, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम होते हैं ये बात अगर पूछी जाए तो रेत के एक कण के भीतर एटम की कुल संख्या यूनिवर्स में मौजूद टोटल तारे, या यू कह लीजिए कि पृथ्वी के सभी रेत के कण जो है उससे बहुत बहुत ज्यादा है। और ये तो रेत के एक छोटे से कण के भीतर मौजूद एटम्स की बात है। दोस्तों आपको बता दूं कि रेत के एक छोटे से कण में 50 क्वांटिलियन एटम्स होते हैं और एक थियोरेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से द लार्जेस्ट एटम का रेडियस 300 पिकोमीटर होता है, जो कि 0.6 नैनोमीटर के बराबर है। इसे अगर मीटर में नापा जाए तो होगा 1.0×10⁻¹⁰ मीटर, यानी कि एक एटम एक मीटर का 10 अरबवां हिस्सा है। इस बात से ही आप सोच लीजिए दोस्तों कि एटम किस हद तक छोटा हो सकता है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। जब वैज्ञानिकों ने एटम की डिटेल में स्टडी की तो उन्होंने पाया कि एटम ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज नहीं है। असल में एटम भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एक एटम का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के सेंटर में उसके न्यूक्लियस के भीतर होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, जिसमें दोस्तों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन लगभग सेम मास के होते हैं और जिनकी साइज होती है करीब 8.4×10⁻¹⁵ मीटर। एटम के अब तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उसका साइज स्वयं एटम से करीब 10 करोड़ गुना ज्यादा छोटा होता है।
इलेक्ट्रॉन्स की साइज 1×10⁻¹⁸ मीटर से लेकर 1.2×10⁻¹⁵ मीटर तक हो सकती है। और दोस्तों इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एटम के भीतर मौजूद ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी ब्रह्मांड के सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब इन तीनों को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहा, तोड़ना चाहा, तो ये भी डिवाइड हुए। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी किसी और पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनका आकार इनसे भी अरबों गुना ज्यादा छोटा होता है। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिन फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। इसमें प्रोटॉन 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, जबकि न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। और ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में क्वार्क्स होते हैं ना, वो ग्लुओन्स से जुड़े हुए होते हैं। ये ग्लुओन्स बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मीडिएट करते हैं। और अणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेप्टॉन्स से मिलकर बने होते हैं। अब दोस्तों आप समझे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किस चीज से मिलकर बने हैं। दोस्तों क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स का साइज अभी कंफर्म नहीं किया गया है, यानी कि थियोरेटिकली हम इनके साइज के बारे में जानते हैं, इन्हें प्रायोगिक पुष्टि नहीं मिली है अभी तक। फिर भी चलिए इसकी थियोरेटिकल साइज के बारे में अगर आपको बताऊं, तो क्वार्क्स का साइज होता है 1×10⁻¹⁹ मीटर। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का निर्माण करने वाले ये क्वार्क्स एटम से तो खरबों गुना ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी ये लेप्टॉन्स से साइज में थोड़े बड़े होते हैं। लेप्टॉन्स साइज 1×10⁻²⁴ मीटर। दोस्तों मैटर के 12 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में लेप्टॉन्स सबसे छोटे हैं। इनका आकार बेहद ही छोटा है। हम हमारी सामान्य आंखों से इसे देखने की कोशिश करें तो समझिए हमारे लिए ये है ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये अदृश्य है, इनकी कोई मौजूदगी नहीं है। लेकिन भौतिकी की बेहद सूक्ष्म और बेहद दुर्लभ दुनिया में इनका वजूद है। दोस्तों इस वीडियो में आगे हमने जो डिस्कस किए वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और उनका निर्माण करने वाले क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, ये सब फर्मियन पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दोस्तों इन मास वाली चीजों को आपस में जोड़ने के लिए प्रकृति ने 4 टाइप के मूलभूत बल भी दिए हैं, जिन्हें हम 4 फोर्सेस ऑफ द नेचर कहते हैं, जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इन चारों फोर्सेस के भी वजूद के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, उन पार्टिकल्स को कहा जाता है बोजोन। यानी कि ये बोजोन्स की वजह से ही ये 4 फोर्सेस काम करते हैं। और बोजोन के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो वो है फोटॉन्स, ग्लुओन्स, जेड बोजोन, डब्ल्यू बोजोन और हिग्स बोजोन, और एक और भी है ग्रेविटॉन। अब दोस्तों हमारी क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार ये जो अल्टीमेट पार्टिकल्स है ये फंडामेंटल पार्टिकल कहे जाते हैं, यानी कि इससे हम अभी तक डिवाइड नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये डिवाइड ना होते हो, क्योंकि इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद ही एक बेहद ही सूक्ष्म दुनिया की शुरुआत होती है। जहां क्लासिकल फिजिक्स खत्म हो जाता है वहीं से शुरू होता है क्वांटम फिजिक्स। और इन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक बेहद ही छोटी साइज की कल्पना की गई है, जिसे कहते हैं प्लैंक लेंथ, जहां पर प्लैंक पार्टिकल्स होते हैं। और इन प्लैंक पार्टिकल्स को टाइनी ब्लैक होल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी लंबाई खुद इनके श्वार्ट्ज़शाइल्ड रेडियस के बराबर होती है। और ये प्लैंक लेंथ एक छोटे से छोटे परमाणु से भी 10,000 खरब गुना ज्यादा छोटा होता है, जिनकी साइज 1.6×10⁻¹⁵ मीटर है। और इसलिए इस पार्टिकल को वैज्ञानिक ब्लैक होल की सिंगुलरिटी से भी जोड़ते हैं। और दोस्तों इससे भी छोटी होती है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग थियरी के अनुसार एक स्ट्रिंग की लंबाई प्लैंक पार्टिकल्स से भी छोटी होती है। हालांकि दोस्तों ये प्लैंक लेंथ और ये स्ट्रिंग अभी तक थियरी का ही विषय है, लेकिन बहुत जल्द फ्यूचर में ये साबित भी हो सकता है। अब दोस्तों यहां तक इस वीडियो में जो भी मैंने कहा, जो भी आपने सुना, ये सभी चीजें एक अणु के भीतर की ये अलग ही दुनिया है। शायद हम ये कभी ना जान पाए कि एक अणु के भीतर की दुनिया किस हद तक छोटी होती है, या कौन सा पार्टिकल अल्टीमेट फंडामेंटल पार्टिकल होगा। क्योंकि सच तो ये है कि हम जिस भी पार्टिकल को भीतर से जानने की कोशिश करते हैं उसके उतने ही टुकड़े हो जाते हैं। फिजिक्स के कई साइंटिस्ट कहते हैं कि हम स्पेस के हर टुकड़े को जितने टुकड़ों में बांटेंगे उतने में वो बटेगा। और दोस्तों इससे एक बात समझ में आती है कि शायद ये यूनिवर्स बड़े और छोटे दोनों लेवल पर इनफाइनाइट है। हमारे लिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज वो है जिसे हमने खोजी है या जिसे हम महसूस कर सकते हैं।
और इससे विपरीत सबसे छोटी चीज भी वही है जिससे हमने अब तक खोजी है या जिसे हम किसी तरह से महसूस किए हैं। लेकिन शायद सच बात यह है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से आगे यूनिवर्स बड़े और छोटे दोनों ही लेवल पर अनंत है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे मिलेंगे ऐसे ही साइंटिफिक और हेल्दी एक और नॉलेज के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।